दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे बाहर की ज़िंदगी का, कि लोग जो बाहर में रहते हैं तो कैसे वो रहते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आती है, क्या क्या समस्याएं आती है। लोग तो बोल देते हैं कि बाहर कमाने गया है, अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन बाहर में जो रहता है वो उन्हें ही पता रहता है कि कैसे कमाया जाता है, क्या क्या परेशानी आता है। सभी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, हम जो यहाँ पर बाहर में हैं तो जानना चाहते हैं। तो ब्लॉग के साथ बने रहिए कि बाहर में आखिर लड़कों की ज़िंदगी होती कैसी है या फिर लड़कियों की ज़िंदगी होती कैसी है, सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज का ब्लॉग, तो आप लोग देखते रहिए। और हमारे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए बात करते हैं बाहर की ज़िंदगी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं घर से। तो घर में था मैं, और मैं एक यूट्यूबर हूं और मेरा यूट्यूब से पेमेंट भी आता है, लेकिन महीने महीने नहीं आता है, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में इस तरह से पेमेंट आता है, क्योंकि हमारा उतना व्यूज़ नहीं आता है और ना ही मेरा उतना मतलब कि वायरल है, ट्रेंडिंग चलता है। इस वजह से जो है स्लो व्यूज़ के चलते हमारा जो है पेमेंट लेट आता है। तो घर में थे और मैं बचपन से जो है पढ़ाई लिखाई में ही रह गया और काम थोड़ा भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाया, काम के बारे में हार्ड वर्क कभी किया नहीं। तो पढ़ाई के बाद, उसके बाद पढ़ाई होते होते ही कॉलेज गए, फिर शादी हो गई, उसके बाद बाल बच्चे हो गए, उसके बाद फिर 2020 से हमारी संघर्ष भरी कहानी स्टार्ट होती है। तो फिर कई बार बाहर भी आए और घर भी गए। तो इस बार रिसेंट में क्या होता है कि हमारा पैसा जो है ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और वहाँ पर मैं जो है हार्ड काम नहीं किया हूँ तो लेबरी वगैरह हो नहीं पाता है। दूसरे लोग कर लेते हैं, 250-300 मिल जाता है डेली के, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ तो नहीं हो पाता है। और दुकान भी मतलब बंद पड़ा है क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है, पूंजी के अभाव में हमारा दुकान भी बंद पड़ा है, जबकि घर में फ्रिज है, प्रिंटर मशीन है, लेमिनेशन मशीन है, फोटोकॉपी का है, उसके बाद लैपटॉप है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पूंजी की वजह से जो है हमारा काम रुका हुआ है। तो पैसे नहीं है तो घर में किचकिच शुरू हो जाती है पैसे के बिना। तो फिर घर में मन ही नहीं लग रहा था, क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा था, तो सोचे कि बाहर चले जाएँगे उधार बाकी करके। फिर यहाँ भाई का शादी भी लग गया था तो सब लोग बोल रहे थे कि फिर आना ही पड़ेगा। तो किसी तरह फिर मम्मी ने 1000 रुपया दिया, फिर टिकट बनवाए, फिर पापा ने 500 दिए, उसी में से आए, फिर यहाँ दोस्त जो था भाई का साला, उनसे हमने उधार पैचा करके और 1 महीने का खर्च चलाया। तो वही भाई के साले से ही उधार बाकी करके 1 महीने का राशन चलाया। और मेरा भाई जो है छोटा वाला, शादी है तो वो जा ही रहा है गांव 20 तारीख, और फिर हम दो मंझले और हम आए थे, तो वो वाला जो है कंपनी में ज्वाइन कर लिया, मिंत्रा, बड़ा मिंत्रा में, तो 3 महीने के लिए ले लिया उसको। तो उसको तो टेंशन नहीं है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने करेगा, उसके बाद 20 तारीख के बाद वो जा सकता है, आराम से शादी में अटेंड हो सकता है। लेकिन मैं जो ज्वाइन हुआ तो मेरा जो है 1 मंथ के लिए ही लिया, कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा क्लोज हो गया। तो हमने वेंडर को कॉल किया था तो बोला कि 8 को क्लोज हो जाएगा, तो वेंडर के साथ में जो रहता है एक स्टाफ के टाइप में, वो बोले कि 8 तारीख 10 बजे ही आई कार्ड दे देना। तो कंपनी हम लोग नाइट में गए थे 7 तारीख को, क्योंकि 6 तारीख हमारा वीकअप था, 7 तारीख को काम करने गए थे। फिर सुबह में सोचे कि रूम जाएंगे, फिर आएंगे 10 बजे, उनको आई कार्ड भी देना है, तो वहीं पर रुक गए हम लोग, मैं और एक मेरा दोस्त, तो वहीं पर रुक गए और फिर आई कार्ड देने के लिए। तो वो लोग आया जब, तो वेंडर बोलते हैं नहीं 8 तारीख क्लोज होगा, मतलब 8 तारीख को डिप्टी करना है, नहीं करेगा तो बोनस का 2000 जो है वो नहीं आएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, एक दिन अगर डिप्टी करने से 2000 का बोनस का वो ऐड हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, कर लेंगे तो आज करेंगे। और हम लोग का मतलब कि जब से सुने हैं कल परसों से कि निकाल रहा है, तो मेरे साथ में एक और दोस्त ज्वाइन हुआ था, मेरे ही घर तरफ का है, यहीं पर दोस्ती हुई थी, तो उसका भी उसी तरह से दोनों साथ में ही क्लोज हो रहा है। तो मेरे साथ में जो ज्वाइन हुआ था दोस्त, उसका भी तो 2-3 दिन से जैसे ही मालूम हुआ है कि हमारा क्लोज हो रहा है 8 तारीख को, फिर निकाल दिया जाएगा, फिर हम लोग जो है परेशान हो गए थे, मन नहीं लग रहा है 2-3 दिन से। तो वीडियो क्या बनाए यूट्यूब पे, समझ में नहीं आता है, दिमाग शांत रहेगा तभी तो, और बाहर में नहीं हो पाता है। अभी आप देख रहे होंगे 2-3 दिन गैप हो जाता होगा, वीडियो कंटिन्यू नहीं मिल पाता है आप लोगों को अपडेट में, क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, नहीं हूँ, मन ही नहीं लगता है बाहर में, तो क्या होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि एक
काम करते हैं। 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को दशहरा का मेला है, तो हम लोग चलो क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो टिकट जो है नहीं दिख रहा है, 8 तारीख दिख रहा है, 10 तारीख दिख रहा है। 10 तारीख का नहीं दिख रहा था जनरल वाला टिकट, तो हम लोगों ने सोचा कि 8 को ही निकल जाएंगे। तो टिकट बनवाने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया। तो हमने साले को फ़ोन किया कि क्या करना चाहिए, तो बोले कि अभी घर जाइएगा तो हाथ खाली है, वहाँ भी खाली रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा, यहीं कर लीजिए। हम लोग स्विगी जोमेटो करते हैं, आप भी कर लीजिए, 1000 रुपये भी बन जाएगा तो कर लीजिए। तो मैंने मन बना लिया, फिर दोस्त को बोला, तो वो भी रुक गया। फिर आज पता चला कि नहीं, आज 8 तारीख को भी ज्वाइनिंग, मतलब नाइट में काम करना पड़ेगा। अगर चले जाते तो फिर 2000 वो भी माइनस हो जाता। तो टिकट वगैरह नहीं बनवाए थे तो चल गया। फिर अभी तो क्या बोलें, अभी आज जाएंगे फिर काम करने, उसके बाद फिर कल से तो ऐसे ही, फिर देखते हैं क्या होगा। वैसे ही बाहर का ज़िंदगी जो है ना, बड़ा कंपनी में भी लोग सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा काम होता है, लेकिन कंपनी के अंदर भी जो है ना, ऑफर भर आपको थोड़ा सा इज्जत दिया जाएगा। इज्जत क्या दिया जाएगा, वही थोड़ा सा केक, थोड़ा सा स्पेशल कुरकुरे, मतलब 2-3 लगभग 25-30 रुपये का देता है स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह। बाकी थोड़ा खैनी वगैरह जो खाता है, लेके जाता है, थोड़ा इग्नोर उसको करता है, क्योंकि ऑफर में उसको काम लेना। जैसे ही ऑफर ख़त्म हुआ, ज़रा से भी मिस्टेक देखा ना आपका, तो आपको सीधा टर्मिनेट कर देगा, आपको बाहर निकाल देगा। और अंदर में इतना टॉर्चर किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, आप काम कर रहे हो फिर भी चिल्लाएगा, इतना चिल्लाएगा दिमाग ख़राब कर देगा। बाहर में जो है ना, लड़का और लड़की कैसे काम करता है ना, वो वही जानता है। परेशान हो जाता है लड़की लोग की, लड़की है वो सुपरवाइज़र, चिल्लाते रहती है। लड़का में सुपरवाइज़र है, वो लड़का के ऊपर चिल्लाते रहता है, कितनों काम करो, बैल जैसा काम करो, और चिल्लाते रहेगा। 50 शिपमेंट है बैग में भरने का, लेकिन बोलेगा कि नहीं 80, 90, 100 डाल दो ऑफर में। और उठा उठा के बैग मूवमेंट करने के लिए 2 आदमी में हालत ख़राब हो जाता है, 70 किलो 80 किलो वज़न हो जाता है। सोचिए 50 किलो से ऊपर हो जाएगा क्या होगा, लेकिन नहीं समझता है। बैल जैसा काम करो कंपनी में, उसके अंदर में बात सुनो, बोली सुनो, चिल्लाएगा वो भी सुनो, सब कुछ सहते हुए और काम कीजिए अपने घर परिवार से दूर रहने के लिए। अभी पता है मुझे घर जाने के लिए पूरा मन है, लेकिन नहीं जा सकते हैं। पैसा अभी कितना, 8 तारीख से काम किया, अभी 7 तारीख को पेमेंट आया 11,019 रुपया, जिसमें कि 10,000 ख़त्म भी हो गए। जिसका लिए थे उधार पैसा उसको भी दिए, यहाँ पर भी 3,300 के आसपास एक महीने का खर्च निकल गया। तो क्या बचेगा बताइए, 1,000 बचा, 1,000 में मेला देखने के लिए भी अभी नहीं दिए हैं, उसको भी घर में बच्चा पत्रों को देना पड़ेगा। तो घर जाने का मन है, लेकिन पैसे की वजह से नहीं जा पा रहे। तो इस तरह से जो है, लड़कों को, लड़कियों को, या फिर बाहर में जो रहते हैं परदेसी, उनको बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। अपना घर रहते हुए भी घर आने के लिए सोचना पड़ता है, ऐसी होती है ज़िंदगी। तो बाहर की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही होती है, लोग तो बोलते हैं बड़े मज़े से होती है बाहर में, एकदम खाओ पियो ऐस करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो बैचलर लोग होते हैं, कुमारे थोड़े, उनको सही है, अपना मांस दारू अंडा खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, क्या टेंशन है उसको आगे पीछे। लेकिन हम लोगों को, फैमिली वाले को, बहुत ही सोचना पड़ता है कि घर कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा पैसे का, तो बहुत ही समस्या है। बाकी क्या बताएं, बाहर का ज़िंदगी हमको पसंद ज़रा भी नहीं है, लेकिन मजबूरी बस रहना पड़ता है पैसे के वजह से, कि 4 पैसे होंगे तो घर द्वार चलेगा। अब पता नहीं, देखते हैं, दीपावली छठ तो इधर ही मनेगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द।